हे गाइस, देखो आज हम डिस्कस कर लेते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में, क्योंकि 10% का लोअर सर्किट लगते हुए नज़र आया है। तो मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि भाई उनको पता है कि जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था तो बताया जा रहा था, अब नीचे आ रहा है तो भाई यहाँ पर भी तो बताओ, है कि नहीं? क्योंकि भाई जब स्टॉक का प्राइस जब गिरता है ना, तब लोगों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि नहीं? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब स्टॉक का प्राइस गिरता है तो लोगों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बेच देते हैं माल, घबरा जाते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं, उनको लगता है कि अब क्या होगा। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा डर जाते हैं वो कुछ कुछ। तो आज के डेट में यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक ओपन हुआ था 614 रुपीज़ पे, हाई गया था 628 रुपीज़ के आसपास, और जो लाइक इसका लो बनाया गया ना, लो देखो हुए 568 रुपीज़, और यहाँ पर जो अभी क्लोज हुआ है 568 रुपीज़, यहाँ पर देखो 20 पैसे हैं, यहाँ पर भी 20 पैसे, मतलब दोनों सेम है। इससे ये पता चलता है कि बाजार ओपन हुआ और केवल गिरावट ही देखने को मिली, सेम लो और यहाँ पर देख सकते हो कि क्लोजिंग दोनों सेम है, मतलब समझ जाओ कि दोनों एक ही साथ और लो और बनाता जा रहा था कंपनी। अब यहाँ पर जो आपको देखने को मिला भाई, ये तो 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, और मैंने थंबनेल पे 10% की गिरावट देखने को लिख रखा, वहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है तो पहले देख लो। लगभग यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 928 रुपये का हाई था, और लगभग अभी स्टॉक यहाँ पर चल रहा है लगभग 568 रुपीज़ के आसपास। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो देख सकते हैं लगभग 9.52, मतलब 9.5%, 10% हम ले लेते हैं यहाँ पर, 10% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये 5% के आसपास ही दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि भाई एक सर्किट को यहाँ पर जो है इसने आज के रेट में लपेट रखा, जिसके तौर पर आपको बता रहा है। देखो ये सर्किट यहाँ से ये काउंट कर रहा है, यहाँ से मतलब ये ऊपर गया फिर यहाँ नीचे आया तो जीरो हो गया, समझ लो ना, दोनों क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, जीरो हो गया, दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर। उसके बाद ये वाले लेवल को इसने केवल काउंट किया है, क्योंकि ये यस्टरडे का लेवल था, यहाँ से अप गया, तो समझ में आ रहा होगा अब आपको 10% की गिरावट है। अब देखोगे पहले, उससे पहले का लॉजिक समझ लेते हैं, एक महीने पहले सब कुछ ठीक है, एक महीने में इसने जो है लगभग ऊपर से देखते हैं, ऊपर का प्रॉफिट देखते हैं पूरा, तो लगभग 60% 70% का इसने जो है रिटर्न दे रखा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें पिछले 5 दिन में तो स्टॉक केवल सर्किट से जा रहा था, बहुत सारे लोग खुश भी थे कि सही सर्किट से है, सर्किट से है, सर्किट से है। तो मैं आपको बोलूँगा देखो, अच्छे स्टॉक्स में अगर सर्किट लगते हैं तो समझ जाओ कि सर्किट से ऊपर जा तो रहे, लेकिन सर्किट से नीचे भी आ सकते हैं। अगर कुछ अच्छे स्टॉक नहीं है, अगर वो सर्किट से जा रहे तो समझ जाओ कि लगभग वो काफ़ी ऊंचाइयों पर जा सकता है, लेकिन ये अच्छा स्टॉक है, ये सर्किट से नहीं चल सकता, याद रखो। तो ये जो सर्किट से ये जो चला है ना, ये सर्किट से जो चला है 5 दिन, उसको बस यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ भी खबर नहीं है ऐसे स्टॉक्स में, याद रखो कुछ भी खबर नहीं है। और यहाँ पर हालांकि इतने स्मार्ट लोग आज मैंने यहाँ पर देखे, मतलब बाजार में गिरावट होते यहाँ पर देख सकते हो 55%, यहाँ देख सकते हो 55% लोगों ने डिलीवरी उठा ली, क्योंकि उनको पता है भाई कंपनी में गिरावट हो या फिर भागे, अच्छी कंपनी है तो बस खरीद लो, एक ही चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पर। हाँ, अब देखो नुकसान उनको हुआ होगा जो ट्रेडर्स हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉफिट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस कंपनी में दो चीज़ों को अभी मेंशन किया गया है यहाँ पर, ये मेंशन किया गया है कि करेंट प्राइजेस देख सकते हैं मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब अभी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है यहाँ पर। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है, डिविडेंड रिटर्न का इनसफिशियंट डेटा है, लेकिन एंट्री लेवल यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, यहाँ देख सकते हैं स्टॉक इज़ इन ओवरवॉट जोन, तो स्टॉक थोड़ा सा ओवरवॉट जोन पे आ चुका था, मतलब थोड़ा महंगा हो चुका था, इस वजह से अब जो है थोड़ा बहुत ये करेक्ट होने की कोशिश करेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखो और कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो इसमें क्या है ना कि प्रमोटर्स थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रमोटर देखो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग। प्रमोटर्स के पास पहले कितने थे लगभग, यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा लगभग 95%, जैसे यहाँ पर देखोगे देख सकते हैं डिक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग, ऊपर में देखिए डिक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पर आपको बताया जाएगा देख सकते हैं इन लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ डिक्रीज बाई 23.07%। अब तो यहाँ पर कुछ है नहीं, प्रमोटर्स अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक महंगा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा दौड़ भी चुका है यहाँ पर। और तो और प्रमोटर्स ने तो हिस्सेदारी अपनी घटाई है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया, साथ में फॉरेन वालों ने भी अपनी बड़ी हिस्सेदारी घटाई है। जो फॉरेन वाले थे उनके पास पहले 6% था, अभी लगभग उनके पास केवल 3% के आसपास है, और डोमेस्टिक वालों के पास देखो पहले 6% था, अभी डोमेस्टिक वालों ने लगभग जो है लगभग 5% के आसपास कर दिया गया है। मतलब प्रमोटर, फॉरेन, डोमेस्टिक, म्यूचुअल फंड, सभी लोगों ने यहाँ पर अपना माल बेचा का मतलब समझ लो ना, कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रखा है, इस वजह से जस्ट वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और कुछ नहीं। देख सकते हैं लगभग 200% के आसपास कंपनी दौड़ चुकी है, और तो थोड़ा महंगा हो गया स्टॉक, तो सभी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं भाई, सबकी मर्जी होती है अपने अपना, है कि नहीं? बस इसी की वजह से यहाँ पर आपको जो है 10% की टोटल गिरावट आपको देखने को मिल रही है, 10% की टोटल गिरावट आपको देखने को मिल रही है, सही है? तो मैं आपको बोलूँगा देखो भाई
10% की गिरावट हुई है आज, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा स्टॉक में कोई तकलीफ की बात नहीं है, स्टॉक अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सही है। अभी भी स्टॉक गिरावट में अगर वीडियो बनाओ ना तो ज़्यादा सही रहता, याद रखो। और आज के डेट में लोगों ने 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी भी लोगों ने यहाँ पर खरीदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है क्लीन साइंस एनर्जी, क्लीन साइंस, हालांकि उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा, आपको मैंने आपको बताया भी, एक वीडियो कंपैरिजन करके भी मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे हिसाब से क्लीन साइंस अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक अच्छी कंपनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसके ऊपर आपको बताऊंगा नहीं, समझ रहे हो ना। सबका अपना अपना फेवरेट है, मेरा कलर, मेरा रेड कलर फेवरेट है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में जितने कलर है वो वेस्ट है, फालतू है, हटा दो उनको, ऐसा थोड़ी होता है भाई, है कि नहीं है। उसी तरीके से तो ये बोलूँगा कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से वो प्रॉफिट कर रही है और उसका ज़्यादा मतलब ग्रो हो रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है कंपनी ने, मतलब नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी ग्रो है, इसका नेट प्रॉफिट में ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, यहाँ पर बेच रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा होल्ड करो, ऐसी कंपनी को भी आप होल्ड कर सकते हैं लंबे समय में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा ही रहेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपने डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे छोटे, डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरनेट में जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल अब एंजल वन बन चुका है, नंबर वन स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला है, यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपने डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो।